अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 का यानी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 8.3 के सिर्फ तीन क्वेश्चन रह गए थे, जो कि 11, 12 और 13 नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, जिनको आपने अच्छे से करना है। क्वेश्चन 11 है जी, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1.3 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1.3.5 बाय 3 फैक्टोरियल 1/3 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, देन प्रूव दैट y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी y अगर इसके इक्वल हो तो ये वाली आइडेंटिटी आपने प्रूव करनी है कि ये इक्वल टू 0 है। देखिए y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1.3 over 2 factorial 1/3 का square plus 1.3.5 over 3 factorial 1/3 का cube plus up to so on। जब हम binomial expansion बनाते हैं ना, binomial जो apply करते हैं तो आपके पास इस form में आते हैं कि आपके पास 1 plus x होते हैं। जब 1 plus x की जगह y भी हो सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 1 plus y, यानी हमने 1 को दोनों तरफ add कर दिए। ऐड किस लिए किया, क्योंकि आपके पास जब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगाते हैं तो आपके पास ए क्वांटिटी 1 होती है, ए क्वांटिटी लेस देन 1 होती है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। अब इसमें 1 ऐड करने का फायदा ये होगा कि आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ इजीली कंपेयर कर सकते हैं। लेट द गिवन सीरीज बी आइडेंटिकल, अब आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होती है 1 plus x power n 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 n minus 2 by 3 factorial x cube plus up to so on। ठीक है, अब देखें इसका 1 इसके 1 के इक्वल हो गया, इसका nx इसके 1 by 3 के इक्वल हो गया, यानी इसकी पहली टर्म पहले के इक्वल, इसके दूसरे टर्म इसके दूसरे के इक्वल, यानी nx इक्वल टू 1 by 3। आगे n into n minus 1 by 2 factorial 1.3 का वो 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। यहां तक n x आ गया जी 1 बाय 3, x आ गया 1 बाय 3 n। अब आपने यहां से n और 3 की वैल्यू निकाल लो, आपने x की वैल्यू 1 बाय 3 इस क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में, ताकि आप यहां से n की वैल्यू इजीली निकाल सके। हम n की वैल्यू पुट की 1 / 3n का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 / 9n का स्क्वायर, बाकी सब वैसे के वैसे आ गए, n से n की एक पावर कैंसिल होगी, ऊपर बच के n - 1 / 9 टू द 18n। ठीक है, तो ये आ गया n, ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट साइड पे आ गया n - 1 इक्वल टू 1 / 6 * 18n, n - 1 इक्वल टू 3n, n की वैल्यू आ गई आपके पास जी - 1 / 2। ठीक है, अब n की माइनस वन बाई टू वैल्यू आपने यहाँ जब पुट की इस क्वेश्चन नंबर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री में, तो आपके पास x की जो वैल्यू थी वो आ गई थी माइनस टू बाई थ्री, माइनस टू बाई थ्री। तो अब आपने जिसके इक्वल इसको पुट किया था ना उस क्वेश्चन को आपने, वो आपके पास आ गया है जी, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई है, वहां आपने पुट कर दी x की वैल्यू माइनस टू बाई थ्री और n की वैल्यू जो कि है माइनस वन बाई टू, और 1 माइनस 2 बाई 3 आपके पास होता है 1 बाई 3, इस पावर माइनस 1 बाई 2, तो इट मीन आप एक स्क्वायर रूट है, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, या ये 3 की पावर नीचे, 1 की पावर भी माइनस 1 बाई 2 है और 3 की पावर भी माइनस 1 बाई 2 है, लेकिन 3 नीचे है, 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। देखे ना, ये 3 नीचे है, ये पावर इन दोनों के ऊपर है, 1 के ऊपर भी है 3 के ऊपर भी, यानी 1 के पावर भी माइनस 1 बाई 2 है, 3 के पावर भी माइनस 1 बाई 2 है, लेकिन 3 जब ऊपर जाएगा ना तो उसकी पावर प्लस 1 बाई 2 हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 3, तो 1 प्लस y स्क्वायर रूट 3। अब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर किया तो आ गया जी 1 प्लस 2y प्लस y स्क्वायर रूट 3, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 रूट 3, हमने यही प्रूफ करना था, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 2y इज इक्वल टू 1 बाय 2 स्क्वायर प्लस 1.3 ओवर 2 फैक्टोरियल डॉट 1 बाय 2 इज पावर 4 प्लस 1.3.5 ओवर 3 फैक्टोरियल डॉट 2 इज पावर 6 प्लस अप टू सो ऑन,
देन प्रूव दैट 4y² प्लस 4y-1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, सिमिलर है कि आपने दोनों तरफ 1 ऐड कर देना, ये आ गया जी 1 + 2y इज इक्वल टू 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 वो टू फोर इन 1/2 की पावर 4 प्लस आप कुछ सो। आपने उसके बाद बिनोमियल सीरीज लिखी तो ये आगे 1 + x इज पावर n इज इक्वल टू 1 + nx + n(n-1)(2x). इसको यूज करके आप यहाँ n और x की वैल्यू निकालते हैं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर कर, इसके साथ कंपेयर कर। अब आपने क्या किया, आप देख सकते हैं इसका 1 इक्वल है एन एक्स जो है 1/2 स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो देखें एन एक्स आपके पास 1/2 स्क्वायर आ गया, आगे वाला एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल ये आ गया 1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/2 इज पावर 4। ठीक है, तो देख लें यहाँ से एन एक्स आ गया 1/4, एक्स की वैल्यू आ गई 1/4 एन। अब यहाँ से x की वैल्यू उठाएं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा जो n into n minus 1 by 2 factorial 1/4 n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/2 इज पावर 4। तो 4 n का स्क्वायर आ गया 16 n स्क्वायर, n से n कैंसिल। ठीक है, n minus 1 by n इज इक्वल टू 3 आ गया, ये 16 से 16 भी कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल नीचे वाला, n minus 1 by 3 n n आपके पास आ गया -1। अब जब n की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू -1/2। ठीक है, तो देखें 1 + x / n इज इक्वल टू 1 - x, x की वैल्यू पुट कर दी और n की वैल्यू पुट कर दिया आपने, तो आपके पास ये आ गया स्क्वायर रूट। सिमिलरली ये -1/2 1 के ऊपर भी है 2 के ऊपर भी है, जब 2 की पावर -1/2 है ना नीचे, 2 जब ऊपर आएगा तो 2 की पावर +1/2 तो ये यानी कि स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। अब आपने क्या किया जी, 1 + 2y इज इक्वल टू 2 रख, यानी वो दोनों इक्वल थी ना, तो ये इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आ गई, तो 1 + 2y इज इक्वल टू 2। तो अगर स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरह से है, y इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद से इसी तरह ही कर देना है, यानी सबसे पहले आपने कंपेयर करना है, एन और एक्स की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट कर देनी है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा, तो इनको अच्छे से कर लें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।